अतीक की मदर और उनकी वाइफ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले उनसे मदर से सवाल करेंगे कि आपके बेटे के ऊपर जो आरोप लगाया गया है यूपी पुलिस की उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ, सरकार की तरफ से, तो क्या ऐसा उनका कुछ ताल्लुक था? गलत है बिल्कुल। तो बच्चा बहुत सीधा सही है, बीमार है, 8 साल की उम्र से बीमार है, कुछ छोटे बच्चे की तरह गोदम उठाओ फिरते हैं, अब परेशान है। आप लोग लगातार कह रही हैं वो हार्ट पेशेंट हैं, उनको सही से इलाज नहीं मिल रहा है, अभी 8 साल की उम्र से बीमार है, अभी भी अस्पताल में भर्ती है वो। अभी भी तो दवाई लेने के लिए गया था। सरकार से आपकी क्या उम्मीद, सरकार से क्या कहेंगे? बस रिया करो उसे, जो हम उसका इलाज करवा। अभी कुछ ट्रीटमेंट मिल रहा है आपको, कुछ मालूम चला है? कुछ नहीं मिला। आपके वकील क्या कह रहे हैं कि हाँ उनको अस्पताल में भर्ती कराएंगे? बस वहाँ भेजा है आगरे, आगरे कोई डॉक्टर नहीं है उसका दिल का, उसका एम से इलाज चल रहा है, वहीं भेजा जावे, सही रिहा करा जावे। कभी आपकी मुलाकात हुई उनसे? ना, एक बार बुलाए तो मिलने ना दिए, बच्चों को भी नहीं मिलने दिया। अच्छा, आप मुलाकात करने गई थी मिलने लिए? मथुरा कोर्ट में, मिलन नहीं दिया। तो अतीक को आप कब से पढ़ा रही थी, क्या एजुकेशन थी? क्योंकि पीएचडी कर रहे थे। तो पढ़ ही रहा जब से, बस 5 साल की उम्र था। पढ़ाई वढ़ाई में कैसे थे वो? बढ़िया, पढ़ाई में सबसे अच्छा आशा और सारे उसमें अच्छा है, सब बच्चों में भी अच्छा है, पूरे खानदान में भी कोई ऐसा नहीं, पूरे गांव में भी ऐसा नहीं बच्चा जैसा वो है, बहुत ईमानदार, बहुत साबित कदम है वो, तो बस इंसाफ की बात करता रहता है, इंसाफ की उसमें जाकर फंसा वहाँ भी। कभी उनका आपराधिक मामला था? कुछ नहीं, किसी से भी, सबके लिए सुलह करता रहा, उसके तो घर में भी किसी के कोई बात औरों के भी हो जाए उनके भी प्यार कर रहा, जाकर सबका जोड़ करवा गया। जब से अतीक जेल में गए कभी आपसे बात हुई उनकी? बात तो हो जाती है। बात हो जाती है जी। लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई? नहीं, मुलाकात नहीं हुई। तो क्या बताते हैं अपनी तबीयत के बारे में? तबीयत खराब है उनकी, इस टाइम भी बहुत खराब है, हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है उनको, लेकिन अभी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा उनको हार्ट का। तो आप लोगों ने कुछ अपील करी उनके लिए कि उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए? जी, बहुत बार कर चुके हैं हम तो, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही उस पर। हम चाहते हैं कि उनको एम्स में ले जाया जाए और जल्द से जल्द रिहा किया जाए ताकि हम सर्जरी करा सकें उनकी। तो वकील क्या कहते हैं आपके कि उनको हॉस्पिटल जाने दिया जाएगा? जाने दिया जाएगा, जब सुनवाई होगी तभी तो जाएंगे, सुनवाई नहीं हो रही अभी तक कोई भी। तो वकील कुछ बताते होंगे कब होगा? नहीं, अभी कुछ नहीं पता चला, टाइम दे देते हैं आगे को। अबू की याद आती है? कब से नहीं देखा अबू को? बहुत दिन से। कब आएंगे अब्बा, कुछ पता है? परसों आएंगे। याद आती है अब्बा की? पापू कब आएंगे? चल याद आती है पापू की? ये काम चल रहा था जब भैया यहीं थे, भैया की वजह से ये काम बंद पड़ा है, अभी भैया है नहीं, तब तक वो आएंगे, जब ही होगा कुछ। वही काम करा रहे थे पूरा घर का। कितना कितना पुराना मकान है आपका ये? हमारा मकान तो लगभग 250-300 साल पुराना है, दादा परदादा पुश्तैनी मकान है हमारा अपना। अच्छा, अभी इसको दोबारा रीबिल्ड कर रहे थे ना? इसको दोबारा रिपेयर कर रहे हैं, इसकी छतें वगैरह सब टूट गई थी, तब काम बंद कर दिया है ना, जब से भैया गए तो काम ही बंद है। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें, हर महीने सिर्फ 100 रुपये और एक साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।